इतना ही नहीं, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत यह भी कहा गया है कि जो कोई भी बच्चे पर वास्तविक आरोप लगाता है या उस पर नियंत्रण रखता है, उस पर हमला करता है, छोड़ देता है, गाली देता है, उजागर करता है या जानबूझकर उपेक्षा करता है या बच्चे पर हमला करता है, छोड़ देता है, दुर्व्यवहार करता है, उजागर करता है या इस तरह से उपेक्षा करता है जिससे ऐसा होने की संभावना है, बच्चे को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा दंडनीय होगा। साथ ही स्कूलों या अन्य संस्थानों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में पॉक्सो नियम 2020 का नियम 3 में कहा गया है कि बच्चों को आवाज देने वाली या बच्चों के नियमित संपर्क में आने वाली कोई संस्था जिसमें स्कूल, क्रेच, खेल अकादमी या बच्चों के लिए कोई अन्य सुविधा शामिल है को समय समय पर पुलिस वेरिफिकेशन और पृष्ठभूमि की जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रत्येक स्टाफ, शिक्षण या गैर शिक्षण, नियमित या संविदा या कोई अन्य व्यक्ति जो ऐसे संस्थान का कर्मचारी है जो बच्चे के संपर्क में आता है,